साहिर साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी मैं आपका रोज़ शो देखती हूँ आप फलस्तीन के हवाले से जो गुप्तगु करते हैं मेरे दिल में एक चीज़ आती है कि मैं भी आगे जाऊँ मैं फ़लस्तीन खुद जाके लड़ू खातून होकर और मेरे घर वाले मुझे इस चीज़ पर मना करते हैं और आपने भी सुना होगा हदीस से मुबारक है कि अगर आप ईमान की इस इस हद पर पहुंच जाए कि आप बुराई को सिर्फ दिल में ही बुरा जाने तो यह ईमान की कमज़ोर तरी निशानी है तो मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ

जिन लोगों ने असल में करना था ना बेटा ये काम जिनको हमने ज़िम्मा दिया था उन्होंने दस्बरदारी कर दी हुई है तो अब मुसलमान की जो जेनुन पैदाइशी गैरत होती है ना वो ललकार रही है वो हर घर से ललकार रही है तो मसला यह है कि इस्लाम को ना डायरेक्शन लेस कर देगा ना जिसको फिज़िक्स में अगर आपने वेक्टर और स्केलर पढ़े हो ना बड़ी जबरदस्त मिसाल है उसकी वो का अमर है से समझें कि जब कोई चीज़ स्केलर होती है तो वो किसी भी लेवल के ऊपर ना आपको परमानेंट लॉन्जविटी दे सकती है ना ही उसका कोई मशरफ और माखज़ निकल सकता है जब कोई वैक्टर होती है तो उसके साथ स्टिकीनेस होती है और सारी उम्र तक साथ चलती है आप जब भी देखेंगे ना इस्लाम मुसलमानों का वो स्केलर लेवल पे डिफ़ाइन हो इसीलिए हर बंदा सोच रहा होता है ये नैकी को कंटिन्यू कैसे रखो सर तो स्केलर तो कंटिन्यू हो ही नहीं सकते इस्लाम अगर स्केलर है तो आप खुद सोचें आप बताएं 24 घंटे में क्या नेकियां करेंगे आप समझ लें कर भी लेंगे तो अगले दिन क्या करेंगे ये इतना कोई डायरेक्शन लेस किस्म का जो इस्लाम है किसी बच्चे को समझ नहीं आने वाला है इसलिए कोई बच्चा इस्लाम पर आ भी नहीं रहा जब तक इस्लाम वैक्टर के तौर पर डिफ़ाइन नहीं होगा आखिरत को बांध के रिवर्स इंजीनियर नहीं किया गया होगा और कमान की तरह खिंचा हुआ नहीं होगा तब तक मुसलमान इस्लाम पर रह ही नहीं सकता ये फितरी और नफसियाती तकाजा है कि हम इस्लाम पर ना रहें अगर हमें डायरेक्शन लेस किया गया इसलिए दीन का लफ्ज़ जो है ना वो पोलिटिकल लफ्ज़ है वो डायरेक्शन देता है और वो बांध देता है आपको आखरत के साथ और इस लेवल के ऊपर एक एक बच्चे को स्कूल के क्लास वन के बच्चे को पता होता है कि उसकी आज की टू डू लिस्ट क्या है और उसको कहाँ पे जाके टोटल किया जा रहा है वो टोटल सम जो है ना उसका वो उसकी एज वाइज़ और उसकी डिपार्टमेंट वाइज का मतलब है वो घर में है तो उसका डिपार्टमेंट घर है इस वक्त हर डिपार्टमेंट में हर बंदे को पता होता है कि मैं ओवरऑल एक मशीन का हिस्सा हूँ वो मशीन एक खास तरफ मूव कर रही है और उस मशीन का ये वाला हिस्सा निकलेगा तो कितना नुकसान होगा अभी आप खुद बता दें आपके फलस्ती के लिए काम ना करने का या इस्लाम पर ना चलने का इस्लाम को क्या नुकसान है आप मैं ये नहीं कर सकते बिकॉज डायरेक्शन लेस किस्म का एक नसीहतों वाला हकायतों वाला दीन फैलाया गया हमारे सामने और इसीलिए हुक्मरानों को भी ये ज़रूरत मिली हुई है कि वो भी अपने आप को दीनदार समझ सकें फ़लस्तान के होते हुए मुसलमान हुक्मरान अपने आप को मुसलमान कैसे कह रहा है आम आवाम तो समझ लो समझ सकता ना कि तो वो क्या कर सकती है हमारे यहाँ हुक्मरान हुरान के लिए मोबाइल और मूवमेंट नहीं कर रहे वो किस तरीके से रात को सोते हुए अपने आप को जस्टिफाई करें कि वो मुसलमान हैं और किस चीज़ का सवाल होना उनसे और क्या काम है इस वक्त मुसलमान का सोचें हजारों की तादाद में रोज बच्चे मर रहे हों रोज इस तरह की कैटास्ट्रफी लाखों सालों में एक दफ़ा आती है जो फलस्तिन की चल रही है आपकी ये यारत मुफ्त में नहीं ललकार रही है सही ललकार रही है ऐसे ही होना चाहिए मगर ये याद रखिएगा ईमान का, का कमज़ोर तरीन हिस्सा तारीफ में नहीं कहा गया हमने इसको भी तारीफ ले ली दिल में बुरा जानने को तारीफ मत समझें नबीम ने कहा था कि सबसे कम हालत है तेरी है मतलब इसमें ना एक कर दें मुसलमान हमेशा अपने औौज के ऊपर रहने की ऊपर आप दुनिया में किसी भी शोबे में नंबर टू या नंबर फोर आने की कोशिश नहीं करते नंबर वन आने की कोशिश करते हैं ये इस्लाम भी यही डिमांड करता है आपसे कि आप सबसे पहले क़वत के अंदर ईमान ईमान की क़त के अंदर आए उनम ने कहा पहले हाथ से रोको गोरे का जितना भी मुफक्कर निकला है वो जितनी भी तफसील कर सका है अपनी सोच की जितनी भी तह में साथ जा सका है उसने यही बताया कि सबसे पहले दिल में बुरा जानोगे तब कहीं जाके लिखोगे कुछ बोलोगे तब कहीं जाके हाथ से बुरा करोगे मेरे नबी सलाम ने क्या कहा सबसे पहले हाथ से बुरा जाएगा सबसे पहले हाथ से पकड़ेगा तू इतना उल्टा चक्का उनकी नफसियात बिल्कुल उल्टी कर दी बिल्कुल जब आप डायरेक्शन आखरत की रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टेप बाई जो तदरीजी प्रोसेस है ये नस्ल अंदर नस्ल चल ही नहीं सकता दिल में बुरे जानने वालों के बच्चे दिल में बुरा नहीं जान सकते हाथ से पकड़ने वालों के बच्चे जो है ना वो किसी एक लेवल पे आएंगे कि वो कलम का इस्तेमाल करें जबान का इस्तेमाल करें या फिर हाथ से हाथ का इस्तेमाल करें जिस जिस नस्लों ने हाथ से इस्तेमाल नहीं किया अपना ईमान उनके बच्चों ने कैसे हाथ इस्तेमाल करना सो so, इस तदरीज को समझें। तो जो का है? वो भी वैसे ही माँ बाप का बच्चा है जिस बेचारे ने कभी वो तो ज़ाहिर है उनकी तो नफसियात ही ऐसी ट्रेन हुई हुई है मुझे गुस्सा आता है मुसलमान की नफसियात ऐसे ट्रेन हो जाए कि हम ये समझें कि दिल में बुरा जानना हमारा कोई लेवल आ गया मतलब इससे नीचे क्या लेवल है इसे नीचे को फर है जो क्वेश्चन किया है मैं आ रहा हूं उसके ऊपर ताकि उनको मैं जरा नक्शा ये पूरे खेल दूं कि अब बच्ची को प्लेस कैसे करना है इसको इसको इसको, इसको, इसको एक चीज थोड़ी सी ऐड करता हूं बाकी फिर आप बताइए इस बच्ची ने मेरे ख्याल में जो क्वेश्चन किया है ना मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के हर ज़ी शूर बच्चे का यही सवाल है इस अकेले ने नहीं किया ये सवाल हर ज़ी शूर मुसलमान का सवाल यही है कि भाई इस वक्त मुझे मैं अब मैं सचिब बादल को बताऊँ मैं खुद भी सोचता हूं मैं करूं क्या मैं क्या करूं इस पे थोड़ा थोड़ा बात पर पहले अगर मैंने स्ट्रेट बताया ना कि आप जत्थे बनाए मस्जिदों को प्रेशर में डाल के पार्लियामेंट हाउस को प्रेशर डालें कि इस्लाम का तकाजा देखें गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर या या ने नहीं इस्लाम के प्रेशर डाल वो इस्लाम के लिए वो लिबरल आर्ट्स के क्रीडो के ऊपर काम करते हैं वो इस्लाम को खुद कहते हैं हम नहीं समझ सके या समझ हम हमने आउटसोर्स कर दिया इस्लाम मुसलमानों को मैं हमेशा से मुसलमानों को अपील करता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज़ कॉन्स्टेंट है और वो है जुम्मे के वक्त मुसलमानों का मस्जिद में जमा होना माशा अल्लाह इसको कायम रखे ये वायद इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कॉम जमा हो रही है हफ्ते में एक दिन काश पाँच दफ़ा रोजा जमा होती है मगर चलें अभी तक ये है अब इस्लाम अगर तो फलसतीन इस्लाम का मसला है जो कि है इस्लाम का मसला तो आप इस्लाम के कस्टोडियंस को ही ठहराएंगे जिम्मेदार कि भैया हमें आपको हम देखें कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है कि बच्चे इस वक्त मुफ्तियान को देख रहे हैं कि भाई हमें बताएं मसल में क्या करें आप मुफ्तियान को चाहिए था पॉलिटिकल प्रेशर पूरी की पूरी कौम को मोबाइल करते कि भाई पार्लियामेंट हाउस को कि बिल इस वक्त बिल साइन करना ज़रूरी है इस वक्त ये प्रेशर पार्लीमेंट हाउस पर डालना ज़रूरी है तोहिने साहबा का बिल कैसे प्रेशर आगे किया था एल के ख़िलाफ़ का बिल ये मदरसों को ही प्रेशर डलवाया था और सही डलवाया था यही काम है यही सियासत है इस्लाम में आप जब इस तरह की बारी आई है तो हमने ये सारे के सारे मामला को दिल में बुरा जानने को थोईने थोईने के ऊपर इतफा कर लिया बिकॉज तो तोहिन साहबा के ऊपर या एल जी बी टी के ऊपर जान की नौबत नहीं थी यहाँ पे आता है वाहन नंगाओं के जाहिर आ रहा था कि भाई कौन सी चीज़ कटा रहा है तुम मौत का तो ये वाहन है दुनिया का प्यार है तो ये वाहन है सो तो अगर वाहन नवाज शरीफ इमरान खान को तो मैं समझ सकता हूँ उन्होंने कभी कुरानी ऐसे ऐसे कुरहान उठा के नहीं बुलाया अपनी तरफ या हराम या हलाल का लफ्ज नहीं बोला उन्होंने ये इसलिए सारा का सा रस्या ना मस्जिद के सर पे गिरता है कि भाई फलस्तीन का मामला है ये दीन का मामला है अब इस वक्त हमें पॉलिटिकल मूवमेंट करनी जरूरी है और इस तरह की बच्चियां अपने अल्लाह की कसम जान देने के लिए तैयार हैं और एक सेकंड के लिए तरद नहीं करेंगी बच्चा त्यार, त्यार। और अगर कौम इस लेवल पर तैयार हो गई हो इससे अगर वन परसेंट भी तैयार हो ना तो लोग सदर वजीम बन जाते होते हमारी कौम तो इस लेवल पर तैयार हो गई और हमसे फलस्तीन का मामला नहीं डील हो सकता